मैं हूं सुमित। एनटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद, जो कि अपनी आने वाली सीरीज फॉलो कर लो यार को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। बता दें, इनकी ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 23 अगस्त को आप लोगों के बीच में आने वाली है। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। उर्फी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। उर्फी, सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद, आपकी सीरीज आने वाली है, तो उस सीरीज में क्या तहलका मचाने वाली हैं आप? मतलब ऐसे कुछ मचाना मचाना आई कांट से, इट्स जस्ट माई लाइफ एंड मेरी लाइफ में रोज एक तहलका होता है। एवरी डे इन माई लाइफ इज सो क्योटिक एंड सो क्रेजी। जी, जैसा कि हमने जो ट्रेलर में देखा है, देखकर लगता है कि जस्ट बेस्ड ऑन योर लाइफ, ये आपका जो जीवन है उसको दिखाया गया है, तो कितना आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत मतलब यही है, इसमें ना सहमति की तो कोई बात ही नहीं जी है। इट इज अ फॉलो रियलिटी शो। जी तो हालांकि ये अनस्क्रिप्टेड शो है ना, तो ये अनस्क्रिप्टेड शो जो रहता है और जो स्क्रिप्टेड शो रहते हैं, करने कितना इसमें मतलब चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्क्रिप्ट आती है तो हमको पर्टिकुलर उसको पढ़ना है, वैसे हमको एक्ट करना है, तो अनस्क्रिप्टेड शो करने में ये आपको कितनी मतलब कितना मजा आया आपको? स्क्रिप्टेड इज डिफिकल्ट, मैन फिक्शन इज आई फील बहुत डिफिकल्ट होता है। स्क्रिप्ट याद करना, वो इमोशंस इमोट करना इजी नहीं है। और यहाँ तो ऐसा था कि यहाँ बस मतलब मुझे कैमरा फॉलो कर रहे थे जी एवरी डे, तो लड़ाई ये थी कि क्या मैं अपनी पर्सनल लाइफ बाहर करूँ या ना करूँ, अच्छा तो डिफिकल्टी वो थी। पर ऐसे कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, मतलब बस कैमरा पर अराउंड। जी इस सीरीज में बॉलीवुड स्टार बॉलीवुड किड्स के चहेते औरी भी नजर आ रहे हैं, तो आप औरी के साथ क्या मतलब पागलपन करते हुए नजर आने आने वाली हैं? ऐसा कुछ हम पागलपन नहीं कर रहे हैं, पर मैं और औरी जाते हैं रेस्टोरेंट्स और हम एक ग्लास वाइन पीते हैं, मस्त अपना खाते पीते हैं, बातें करते हैं। तो हम मैं और औरी बहुत ऐसे चिल करते हैं, तो बस वही आपको देखने का मिलेगा, मेरी और मेरी जो फ्रेंडशिप है औरी से, कि हम कैसे कैसे क्या क्या बातें करते हैं। और आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे कि औरी बहुत 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 इंटेलिजेंट है। जी, ट्रेलर में आपके घर वाले भी नजर आए, आपकी सिस्टर भी एक अहम कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं, तो कैरेक्टर नहीं है वो, वही मतलब वो वही है। वही वही तो मैं ये जानना चाहता हूं कि रियल रियल आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके सिस्टर, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, ये एक एक सिस्टर नहीं है, मेरी चार बहनें हैं। जी तो चारों के चार मतलब हम चारों हैं, हम चार बहनें हैं, जी मेरी तीन और बहनें और एक भाई है, सब है। तो सब ऐसा हैं कुछ किरदार नहीं जो अहम होगा। अब मेरी लाइफ में तो मेरी सारे भाई बहन अहम है, मेरी मम्मी भी जी अहम है। जी तो उर्फी, जैसा हमने हमको काफी समय से एक निपोटिज्म किस्सा सुनने में आता है, तो कभी जब आप बॉलीवुड में जब आपने कदम रखा, जब आप एज ए आपने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का सोचा, तो आपको कितने आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि निपोटिज्म ये ज्यादातर हर किसी एक्टर्स के मुंह से निकलता है, तो आपको क्या क्या कि आपने फेस किया ये? मैं बॉलीवुड का पार्ट नहीं हूँ सुमित। जी मैंने तो कभी कोई बॉलीवुड मूवी करी ही नहीं है, जी जी मैं तो कभी बॉलीवुड में गई ही नहीं। मैं तो टीवी करती थी, मैं तो छोटी मोटी टेलीविजन एक्ट्रेस थी, और लकीली जी वहां इतना नेपोटिज्म नहीं है। जी टीवी इंडस्ट्री में भी निपोटिज्म समझ में नहीं, मतलब दिखता नहीं है बिल्कुल। मतलब पता नहीं, अगर कोई किसी प्रोड्यूसर का बेटा या बेटी है तो पता नहीं है वैसे। जी, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, अभी आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली, जैसे आपकी ये सीरीज फाइनली जो पब्लिक का जैसा आई एम श्योर कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इसके बाद क्या आपका प्लान चल रहा है कि मुझे अब बॉलीवुड की तरफ रुख करना है, क्योंकि अभी तो आपने बोला कि आप बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, तो अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? यार मैं तो रुक कर लूँ, पर मुझे कोई ऑफर ही नहीं आएगा तो मैं क्या करूँ रुक करके। अभी नहीं जी आ रहे यार ऑफर, मुझे अपना ही कुछ करना है। लेट्स सी, मतलब प्लान प्लान तो पूछोगे तो कुछ नहीं है। सच कुछ बताऊं नहीं, तो मुझे अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम जस्ट होपिंग फिलहाल कि ये जो शो आ रहा है फॉलो कर लो यार, ये अच्छा करे। तो अभी जी का प्लान वो है। जी अगर उर्फी आपको एक ऑप्शन दिया जाए, तो आप किस फिल्म मेकर के साथ काम करना चाहेंगे? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर आई टेल जवाब तो बनता है।
हाँ, पर मुझे दिवाकर बैनर्जी बहुत पसंद है। मैंने उनके साथ एक छोटा सा उनके मूवी में गेस्ट अपेयरेंस किया, सो आई डोंट माइंड डूइंग कुछ ऐसा फुल फ्लेश्ड उनके साथ। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कल ही नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई है, जिसमें काफी एक्टर्स ने फिल्म मेकर्स ने सूरज बड़जात्या ने ये अवार्ड जीता है, तो आपको नहीं लगता कि मुझे भी देना आपको, चाहिए। हाँ, मुझे हाँ भी देना नहीं, चाहिए, तो बिल्कुल। आपको भी ऐसी फिल्म में काम करना चाहिए जहां आप एक राष्ट्रीय अवार्ड की आप हकदार बने, आप जीते। एवरीवन लाइक्स अवार्ड्स, बट अभी अगर बट मैं मूवी नहीं कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ? अब जो चीज अभी, क्या आपको लगता है कि आपको डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए सुमित? अगर मैं डॉक्टर होता तो मुझे वही, लगता अगर कि मैं मुझे, एक्टर होती तो, अगर मैं बॉलीवुड में होती तो मुझे भी लगता, बट फिलहाल पर मैं नहीं। उर्वी आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, आप प्राइम रेडियो के शो पर आ रही है, भले ही वो अनस्क्रिप्टेड शो है, बट आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, ये तो आप मानिए। No, this is, that is not acting. I'm not acting in the show. I'm being myself. So the term that you can use for me right now for this show is a reality TV star. हम जो लोग रियलिटी शोज करते हैं ना, उनको आप एक्ट्रेस नहीं बोलते हो, एक्टर्स नहीं बोलते हो, आप बोलते हो रियलिटी टीवी स्टार। अगर वो को फिर, अगर जब मैं फिक्शन प्रोजेक्ट करूंगी कोई, मैं आपसे मिलूंगी, तब आप मुझे एक्टर बोल सकते हो, बट इस प्रोजेक्ट के लिए तो वर्ड एक्टर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी, और फिर अभी कुछ दिनों पहले दो फिल्में रिलीज हुई थी, री रिलीज हुई थी, हम आपके हैं कौन, मेरी लैला मजनू, अगर आपको पता पता हो। है, पता है लैला मजनू अच्छा, कौन सी देखने गई दोनों में से आप? एक भी नहीं। एक भी नहीं? इसका कारण क्या? टाइम टाइम नहीं मिला, मतलब मैं ज्यादा नहीं मिला। फिल्म देख नहीं पाती हूँ, पर मैं स्त्री 2 जरूर देखने जाऊंगी। स्त्री 2? जी, और लैला और मजनू मैं देख चुकी हूँ, जी, सॉरी। लैला मजनू मैं देख चुकी हूँ, अच्छा, जी, बहुत ही उम्दा मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तृप्ति एंड अविनाश, लाइक क्या वो एक्टर्स हैं, क्या जी